अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोग के साथ शेयर करूंगी एक रेसिपी चाइनीज़ कटलेट्स की, जो कि बहुत ही इजी एंड क्विक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में चार बॉयल हुए हुए आलू ले लेंगे, जिसको मैंने पहले से मैश कर रखा है। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉयल नूडल्स, 1/2 कप कैरेट जो कि बारीक कटी हुई हैं, 1/2 कप कैप्सिकम, 1/2 कप कैबेज। ये सारी सब्जियां इस बॉल में ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, नूडल्स मसाला 1 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड कर लें। विनेगर 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इनकी शेप तैयार कर लें। सारे कटलेट्स की शेप तैयार करने के बाद इन कटलेट्स को एक एक करके एग में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में, तो अब ये कटलेट्स फ्राई होने के लिए रेडी हैं। ध्यान रखिएगा कि इसको दरमियानी आंच पे फ्राई करें, वरना तेज आंच पर तो ये जल जाएंगे। इसको इतना फ्राई करें कि ये गोल्डन कलर में आ जाए। जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो फ्लिप करके दूसरी साइड से भी पका लें। हमारे कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं, अब इसको एक प्लेट में निकाल लें। तो रेडी है हमारे मज़ेदार से चाइनीज कटलेट्स। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये रेसिपी आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी रमदान।